अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम यासिर है और मेरे चैनल का नाम बर्ड्स केयर है। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए मेरी वीडियोज़ पर, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाता हूँ तो मेरी इससे हौसला अफज़ाई होगी आपके सब्सक्राइब करने से। और दोस्तों, मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मेरे पास ये कॉकटेल का ये पेयर है, यहाँ पे पहले कॉलोनी होती थी और ये देखें मटकियाँ भी ज़्यादा लगी हुई हैं, लेकिन कॉलोनी फिर जो है मैंने ख़त्म कर दी क्योंकि कॉलोनी में सेटअप अच्छा नहीं था और बर्ड्स जो है सेपरेट ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो अब यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही पेयर छोड़ा हुआ है कॉकटेल का। ये ग्रे का इसका मेल है और ग्रीन की फीमेल है। ये मेरा ब्रीडिंग पेयर है और बहुत बेस्ट पेयर है मेरा, ये बहुत अच्छी ब्रीड करता है। ये तकरीबन ये इसकी छठी ब्रीड है जो इसने मुझे दी है। और अभी मैं आपको इसके केज के अंदर जाकर मैं आपको इसकी प्रोग्रेस दिखाता हूँ। और ये मैंने इसका दाना पानी भी बाहर निकाल दिया अंदर जाने के लिए। ये गेट है और इससे मैं अंदर जाऊँगा और अभी मैं अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मैं अंदर आ गया हूँ। ये देखें, ये ग्रे का ये मेल है और ये क्रीम की फीमेल है। और ये देखें, मैं अभी आगे जाता हूँ। ये इजाफी मटकियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, पहले ज़्यादा जोड़े होते थे, चार जोड़े छोड़े होते थे मैंने, लेकिन इनकी लड़ाइयाँ आपस में चलती थी, वो सही नहीं चल रहे थे, सिर्फ एक पेयर चल रहा था, बाकी तीन पेयर भी आपस में लड़ते रहते थे। तो दोस्तों, फिर मैंने जो है ना इसको अलग कर दिया उनको सबको, और ये यहाँ पे सिर्फ एक पेयर है इतने बड़े खाने में। और ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे रोशनदान भी है, यहाँ से हवा जो है पास होती है। और यहाँ पे देखिए, मैंने ऊन लगाई है क्योंकि सर्दियों का मौसम अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो दिन के टाइम सिर्फ मैं चादरें हटा देता हूँ, तो यहाँ पर फिर ये सिर्फ ऊन रह जाता है। इसके अंदर सुराख है, हवा पास होती रहती है। दोस्तों, ये समुद्री जहाज है और ये कैल्शियम, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है तमाम बर्ड्स के लिए और कॉकटेल के लिए भी। ये देखें, ये मेरा ये पेयर ये उड़ रहा है, ये देखें, ये देखें। चले हम इसकी मटकी की तरफ जाते हैं। इन्होंने पहले, इनकी ये मटकी होती थी, फिर इन्होंने पहले जो शुरू की ब्रीड इन्होंने यहाँ की है, उसके बाद फिर ये ऊपर भी एक ब्रीड की थी इन्होंने, यहाँ से मटकी मैंने उतार दी, यहाँ पर दो होती थी। और अब जो है इस वाली मटकी के अंदर ये इन्होंने ब्रीड किए कोने में, ये मटकियाँ चेंज करते रहते हैं। और चले आगे चलते हैं। सो दोस्तों, मटकी के अंदर झांक के देखते हैं। अभी शायद अंधेरा है, शायद आपको नज़र आ रहे हो बच्चे, एक मिनट मैं लाइट ऑन करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और के इसने इस बार चार एग दिए थे दोस्तों, और उसके अंदर से तीन बच्चे निकाले थे, लेकिन बदकिस्मती से एक बच्चा जो एक्सपायर वो कर हो गया। और अब जो है दो बच्चे हैं इसके अंदर, मटकी के अंदर। मैं मटकी उतार के आपको दिखाता हूँ। तो मैं पहले मटकी उतार लूँ फिर मैं आपको। ये देखें फ्रेंड्स, मैं मटकी उतार के ले आया हूँ यहाँ पे थोड़ी रोशनी में। ये देखें, ये दो बच्चे हैं अंदर, और उसके अलावा एक एग भी है, लेकिन ये मेरा ख्याल में एग जो है अब शायद ख़राब हो चुका होगा या फिर इसके अंदर से टाइम गुजर गया मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, एक मिनट बच्चे को निकालते हैं बाहर। ये देखें दोस्तों, एक बेबी है कॉकटेल का, इसने इसको फीड कराई हुई है और इसको यहाँ रखते हैं। ये दूसरा मैं निकालता हूँ मैं, ये देखें, ये दूसरा है, इसको भी यहाँ रखते हैं। और अभी ये क्या है, लेकिन ये एग ख़राब हो चुका है मेरे ख्याल से, और इसको मैं चेक करके बाद में देख लूँगा। और तो दोस्तों, अभी ये देखें आप, ये दो इसके बेबी हैं, इसकी छठी ब्रीड है इस पेयर की मेरे पास। और हर ब्रीड में ये चार एग देते हैं, तीन बच्चे निकाल लेते हैं। एक मरतबा चार एग दिए थे, चार बच्चे निकाले थे, और एक मरतबा पांच एग में से तीन निकाले थे। और लेकिन इस बार इसने जो है तीन ही बच्चे निकाले थे चार एग में से, लेकिन एक बच्चा एक्सपायर हो गया है, कोई वजह बन गई होगी। और बाकी ये दो अच्छे हैं, इनको फीड कराइए, ये देखें इनके खाना इन्हें खिलाया हुआ है अच्छे तरीके से। इसको भी अंदर रख देता हूँ मैं, इस बच्चे को भी, ये देखें, ये दोनों अंदर रख दिए फ्रेंड। मेरा मशवरा आप दोस्तों को ये है कि आप जो है कॉलोनी के बजाय सेपरेट जो है अलग अलग मटकियाँ लगा कर अलग अलग खाने में रखा कीजिए, उसमें बेस्ट रहते हैं, ब्रीडिंग अच्छी आती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते आपस में, और उसमें बेस्ट रहते हैं। ये लगा दी है मैंने मटकी इधर, और ये इनकी मटकी है, और
ये मेरा चेयर है, ये देखिए ओड़ा है ये। हाँ तो दोस्तों आपने मेरे पेयर की ब्रीडिंग पेयर की प्रोग्रेस देखी। दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब की और मस्त कर दीजिए, और ताकि मैं आपके आपकी मेरी मजीद वीडियोस देख सकें। मैं नई नई वीडियोस लाता हूँ और जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो दोस्तों मजीद वीडियोज़ देखने के लिए और मस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।